देश और दुनिया में कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने के बाद इससे निपटने के लिए पीएम मोदी ने ट्वीट कर संदेश दिया कि वे सार्क देश के सभी नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस को लेकर बात कर सकते हैं ताकि इससे बचाव में मदद मिले। पीएम मोदी ने कहा था कि सार्क देश आपस में मिलकर दुनिया के सामने एक मिसाल पेश कर सकते हैं और विश्व को सेहतमंद बनाने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। पीएम मोदी के इस प्रस्ताव का भूटान, नेपाल, श्रीलंका समेत कई देशों ने स्वागत किया और तो और इस महामारी पर चिंता जताते हुए पाकिस्तान ने भी इस पर अपना सकारात्मक रुख दिखाया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते बहुत ही खराब हैं, लेकिन पीएम मोदी के इस प्रस्ताव पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सकारात्मक रुख दिखाया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता आयशा फारूकी ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सहयोग की जरूरत है। आयशा फारूकी ने ट्वीट कर कहा, हमने पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री को सार्क देश के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने को लेकर कहा है। आपको बता दें कि सार्क में साउथ एशिया के देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका आते हैं। डीआईडी न्यूज की खास रिपोर्ट।